नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और हाइड्रोजन साइकिल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिगर की मदद से एक एक स्टेप बताऊंगा। वैसे आपके बुक में सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल दिया था लुसेंट में, लेकिन मैं सोच रहा था कि नाइट्रोजन साइकिल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे, क्या डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ कार्बन और हाइड्रोजन साइकिल। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के। तो नाइट्रोजन साइकिल में देखिए एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि नाइट्रोजन को फिक्स करने की ज़रूरत ही क्यों होती है। चलो क्यों होती है वो समझ लेते हैं कि, और आप तो बोलो कि 78% के आसपास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, तो प्लांट इसको डायरेक्टली ऊपर से ऊपर क्यों नहीं ले लेता है? जो वो इंतज़ार करता है कि कोई बैक्टीरिया आए जो नाइट्रोजन को फिक्स करे, मतलब किस नाइट्रोजन को, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करे और वो हमें कुछ कन्वर्ट करके दे तब लेंगे। प्रॉब्लम लगता है ना? प्रॉब्लम ये है प्लांट के साथ, प्लांट एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन को लेने की काबिलियत नहीं है। हम ऐसे बोल सकते हैं प्लांट के पास ऐसी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो प्लांट के सॉरी एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ले सके। इवन एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है तो क्या करता है, नहीं ले पाता है। तो वो इंतज़ार करता है कि कोई आएगा और हमें नाइट्रोजन ऐसा कुछ बना के नाइट्रोजन से देगा, मतलब जैसे मान लो है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से कुछ ऐसा बना के खाना कोई फाइनल प्रोडक्ट देगा जो जो मुझे मज़ा आ जाए। तो अब प्लांट का मदद करता है दो तीन आदमी। पहला है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि कहाँ पे होता है, ऐसे प्लांट जो इसको हम लेग्यूम प्लांट बोलते हैं। लेग्यूम प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो दलहन वाले प्लांट नहीं होते, उसको लेग्यूम प्लांट बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट के रूट में, ध्यान देना, ऐसे प्लांट होते हैं इसके रूट में, नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स इसको बोलते हैं। नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। क्लियर? नाइट्रोजन फिक्सिंग ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कैसे भाई, कैसे? एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके उसे कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। ध्यान देना, ध्यान देना, नाइट्रोजन को लेता है उसको कन्वर्ट कर देता है अमोनियम में। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो इतना क्लियर है। अभी ये आपको नहीं समझना है, बस इतना समझिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से अमोनिया बना, अमोनिया बन गया है। अब प्लांट बोलेगा हम ले ले, प्लांट अभी भी नहीं ले सकता। प्लांट को अभी भी जरूरत है कि कोई उसे न, क्योंकि प्लांट सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट को लेता है, नाइट्रेट को। तो अब अमोनियम को नाइट्रिफिकेशन किया जाएगा, अमोनियम का नाइट्रिफिकेशन किया जाएगा किसके द्वारा, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। अब वो नाइट्रिफिकेशन से क्या बनाएगा, नाइट्राइड्स, ध्यान देना आई है यहाँ पे, आई से क्या बनाएगा, O2, NO2-। अब अभी भी नहीं ले पा रहा है तो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया एक बार और आएगा, एक बार और वो नाइट्रिफिकेशन करेगा तो उसको क्या बना देगा, नाइट्रेट्स, NO3-। अब प्लांट बोला हब मिल गया, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, ये हमें दे दो प्लीज। तो प्लांट इसको एसिमुलेट कर लेगा अपने अंदर। क्लियर? तो प्लांट इसका यूज कर लेगा। क्लियर? तो प्लांट यूज कर लिया, तो अब क्योंकि यहाँ पे यूज क्या किया है, NO3-, तो प्लांट यूज कर लेगा। मान लो प्लांट का पत्ती या प्लांट खुद गिरा, मान लो प्लांट खुद गिरा इसकी पत्ती, या प्लांट जानवर खा लिए जानवर के मरने के बाद, तो जो डीकम्पोजर हो गए, डीकम्पोजर कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं। डीकम्पोजर इसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं, इस नाइट्रेट जो ये पत्तियों के मरने के बाद या जानवर के मरने के बाद जो बनता है उसको एमोनिफिकेशन कर देते हैं, एमोनिफिकेशन, जिससे अमोनियम बन जाता है। यानी यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं बैक्टीरिया भी वही काम करता है अमोनियम बनाने का, लेकिन 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 बैक्टीरिया और फंगाई मतलब डीकम्पोजर भी वही काम करता है जो ये काम करता है, लेकिन दोनों का रॉ मटेरियल अलग होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का रॉ मटेरियल होता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, लेकिन इनका रॉ मटेरियल क्या होता है, नाइट्रेट्स होता है। लेकिन लेकिन वो जो पत्तियों पे हो या जानवरों के मरने के बाद, मतलब ये सिंपल उस मटेरियल को करता है जो मरने के बाद जो नहीं ऑर्गेनिक मटेरियल बचते उनको डिकम्पोज करके अमोनियम बनाता है। उसके बाद प्रोसेस सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस है। मतलब होता क्या है, एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्योंकि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते प्लांट में, प्लांट की इतनी प्लांट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि
कि 78% जो चीज़ है उसको भी यूज कर सके। तो प्लांट सोचता है भाई मुझे कुछ ऐसा हो जाए ना कि मैं यूज कर लूँ, क्योंकि नाइट्रोजन जरूरी है आपको पता है। जितने भी फास्फोरस होते, जितने भी सॉरी जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं उसमें एनपीके होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सारे में नहीं मैं बोल सकते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होते हैं उसमें ये चाहिए, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम चाहिए ही चाहिए। तो नाइट्रोजन अगर आप बाहर से डालते हो, अगर सेम अगर कुछ ऐसी प्लांट के बैक्टीरिया हो प्लांट के रूट में, तो नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं होगी। आपने थोड़ी सुना है कि दलहन के फसल में हम नाइट्रोजन छींटे, नहीं भाई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दलहन के रूट में एक बैक्टीरिया होता है जिसको जिसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये क्या कन्वर्ट कर देता है, एटमोसफेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनियम में। अब अमोनियम के पास आता है एक और बैक्टीरिया, एक और इस बैक्टीरिया का दोस्त आता है जिसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इस ये बैक्टीरिया इसको नाइट्राइड्स में कन्वर्ट करता है, आई है यहाँ पे। फिर ये बैक्टीरिया को क्या कन्वर्ट करता है, फिर से ये बैक्टीरिया आता है, फिर से कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में। अब नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं प्लांट, प्लांट अभी तक नहीं यूज कर रहा था। तो आप बोलोगे भैया फिर इसका क्या यूज है, डीकम्पोजर का। डीकम्पोजर वही काम करता है, ध्यान देना, डीकम्पोजर का भी काम है अमोनियम बनाने का, क्योंकि डीकम्पोजर को पता है जैसे सिर्फ अमोनियम बना ना उसके बाद से हमारा रास्ता मुश्किल हो, रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मेरे रास्ते पे, मैं जिस रास्ते पे बना रहा हूँ अमोनिया उसके आजू बाजू में ही खड़ा है, वो आगे का काम कर देगा, बस हमें चाहिए अमोनियम बनाना। तो आप समझो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और डीकम्पोजर दोनों एक ही काम करता है, दोनों का आउटपुट प्रोडक्ट एक ही होता है, जो रिजल्ट एक ही होता है, लेकिन दोनों का इनपुट अलग होता है। इसका इनपुट होता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन और इसका इनपुट होता है ऐसे प्लांट और लेब्स, प्लांट के लेब्स या जानवर जिन्होंने नाइट्रेट का यूज किया है, और उनके डेथ करने के बाद डीकम्पोजर जो होते हैं बैक्टीरिया और फंगाई वो इसको एमोनिफिकेशन करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, एमोनिफिकेशन। क्लियर? अब बोलोगे एरोबिक और एनाएरोबिक का मतलब, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस और एनाएरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन का एब्सेंस। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या डिकम्पोजर में सिर्फ और एक ही होगा, नहीं दोनों हो सकता है डिकम्पोजर में। क्लियर? एक और है, अब क्या हुआ कि आप नाइट्रेट्स तो बन गया, आप चाहते हो कि इस नाइट्रेट से हम फिर से अपना पुराना अपना दोस्त नाइट्रोजन बना ले। तो एक और बैक्टीरिया है जो नी डी नाइट्रीफाइंग करेगा, जो इस नाइट्रेट को फिर से एटमोसफेयर में पहुंचा देगा नाइट्रोजन में। क्लियर? कुछ बैक्टीरिया ऐसा भी। क्लियर? तो आप देख ले आप क्या क्या लिखा, एमोनिफिकेशन हमें पता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर है ना, यानी अमोनिफिकेशन ध्यान देना क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम फ्रॉम 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 ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो जानवर मरे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो गैस होते हैं वो इसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। क्लियर? हाँ, लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया फंगाई होते हैं। नाइट्रिफिकेशन तो हमने पता है, ऐसा प्रोसेस जो अमोनिया इज कन्वर्टेड इंटू नाइट्रेट, प्रोसेस इन विच अमोनिफिकेशन अमोनिया इज कन्वर्टेड इंटू नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाई नाइट्रो बैक्टीरिया, यही तो मैं बता रहा हूँ। नाइट्रोबैक्टर यानी ये क्या है, यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर अमोनियम को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। आगे देखते हैं, ये तो नॉर्मल पर है। प्लांट मोस्टली कौन सा यूज करता है, नाइट्रेट मोस्टली, यानी ऑलवेज नहीं बोल सकते, यानी कुछ प्लांट ऐसे भी होंगे जो नाइट्राइट भी यूज करते होंगे। डीनाइट्रिफिकेशन हमें पता है, इस प्रोसेस में फिक्स्ड किया जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट्स या अमोनिया। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, अगर आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि आप इससे 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 किसी बैक्टीरिया की मदद से इनमें से किसी को आप कन्वर्ट कर दो सीधा सीधा नाइट्रोजन में, तो इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ऐसा नहीं सिर्फ इससे, कि जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक आप देखो इस प्रोसेस में फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अब बोलोगे कि भैया जब तक यहाँ नहीं आएगा ना आप डीनाइट्रिफाइंग नहीं करें, कितना मुश्किल होगा, अगर यहाँ तक हम बना लिया हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें फिर से नाइट्रोजन चाहिए, तो कोई ना कोई ऐसा बैक्टीरिया तो होना चाहिए ना जो यहीं से डायरेक्ट हमें नाइट्रोजन बना दे। अगर यहाँ से हमें डायरेक्ट नाइट्रोजन चाहिए तो हमें ऐसा नहीं कि पहले इन दोनों रास्तों को क्रॉस करो फिर ये बनाओ, नहीं। क्लियर?
क्लियर। और डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया को हम बोलते हैं स्यूडोमोनास। ध्यान देना, दो चीज याद रखना है, दो एग्जांपल आपको यहाँ पे। जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं स्यूडोमोनास, और जो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है इसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। क्लियर है? यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर, और एक को बोलते हैं स्यूडोमोनास। कोई दिक्कत नहीं। अब हम मेन याद करते हैं कार्बन साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साइकिल का सिंपल मतलब है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन साइकिल होता क्या है? सबसे पहले कार्बन एटमॉस्फेयर में आता है फोटोसिंथेसिस के समय में। क्लियर? उसके बाद ये प्लांट मान लो डीके हो गया, डीके होने के बाद जमीन पे आता है। क्लियर? और उसके बाद रूट के मदद से रेस्पायरेशन कर लेते हैं प्लांट, और फिर से ऊपर चला जाता है। क्लियर? रेस्पायरेशन में आपको पता है, रेस्पायरेशन O2 करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, सेम यही होता है। और जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं उसमें से इमीशन जो होता है वो CO2 ही आता है, तो वो इन्वायरमेंट में जुड़ता जाता है। क्लियर? एनिमल के रेस्पायरेशन से इन्वायरमेंट में जुड़ता है, ऑर्गेनिक कार्बन से इन्वायरमेंट में जुड़ता है, प्लांट जो छोड़ता है उसे इन्वायरमेंट में जुड़ता है। तो आता कैसे कार्बन डाइऑक्साइड? सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, वो है फोटोसिंथेसिस। क्लियर? नेक्स्ट है ये तो बहुत 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 आसान है, सिंपल। इवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन होके बादल बना, कंडेंसेशन होके प्रेसिपिटेशन हो गया, सेम है नॉर्मल। ट्रांसपिरेशन से भी ऊपर पानी जाता है, जैसे प्लांट के लिप्स पे को सनलाइट क्या करते हैं, इसके पत्ती को, इसके पत्ती से वाटर को नहीं खींच लेते, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम है। सबसे पहले इवापोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन। ESPCP थोड़ी याद रख लो ना। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा है, और मैं आज ही चाहूँगा ट्राई करने का, कंप्लीट करने का। उसके बाद फिर से हम जूलॉजी डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही आप हेल्प करते रहिएगा। और ऐसे ही आपको कोई भी डाउट हो तो 9582062485 पे मैसेज किया, 9582062485 मैसेज कीजिएगा। सेम नंबर पे UPI, गूगल पे, कुछ भी किसी चीज़ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पेटीएम, कुछ भी। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।